स्टेशन के हद में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग के साथ अत्याचार की घटना सामने आई। अत्याचार करने वाला उसी के पहचान का लड़का था। घटना तब सामने आई जब बच्ची ने घटना अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताई, जिसके बाद सकरदरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित नाबालिग अपने सौतेले पिता और माँ के साथ सकरदरा पुलिस स्टेशन की हद में किराए से रहती है। घटना के दिन दोपहर लड़की अकेली थी, तब 20 साल का आरोपी प्रतीकासोले लड़की के घर गया, जिसके बाद उधर इधर देख बातें की। कुछ देर बाद लड़की पर अत्याचार कर दिया। घटना के बाद लड़की ने अपनी आपबीती उसके माँ को बताई, मगर माँ ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। मगर लड़की ने वह घटना स्कूल जाने के बाद अपने प्रिंसिपल को बताई, जिसके बाद प्रिंसिपल ने मामला उजागर किया। सकरदरा पुलिस ने मामला पोक्सो के तहत दर्ज किया और आरोपी को भी तुरंत हिरासत में लिया है। 16/10/2023 रोजी सायंकाळी 8:30 सुमारास फिर्यादी ही तिची 8 वर्षाची मुलीला घेऊन पोलीस स्टेशनला आली आणि आम्हाला सांगितले की तिच्या मुलीसोबत बलात्कार झालेला आहे। तेव्हा आम्ही घटनेची सहानिशा केली असता आरोपी प्रतीक आसोरे वय 20 वर्षे यांनी दिनांक 13/10/2023 रोजी फिर्यादीची मुलगी पीडित घरी एकटी असल्याचे संधी साधून तिच्यावर बलात्कार केला आणि कोणाला न सांगण्याची धमकी दिली। त्याच्यामुळे जी पीडित आहे त्यांनी 2-3 दिवस आपल्या आईला सांगितलं नाही। शेवटी काल तिने आपल्या आईला सांगितले वरून आज रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपीचे नाव प्रतीक रमेश आसोरे असं आहे, वय 20 वर्षे, त्याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील चौकशी ही वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे। घटना में पीड़िता की उम्र छोटी है। जब उसने घटना के बारे में अपने माँ से बात की तो उसकी माँ ने डरने की बजाय पुलिस से संपर्क करना चाहिए था। इन मामलों में पुलिस की मदद लेना जरूरी है ताकि पीड़िता को सही से न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंखलवार, BCN न्यूज़ नागपुर।